हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट की हमारी आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि कैसे आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आज जो है बहुत ही, आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। और आज हम जो है यूनिट डिजिट से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 8^96 प्लस 2^79 इज। 8^96 प्लस 2^79 द्वारा निरूपित संख्या के इकाई अंक में इकाई का अंक है क्या है, बताइए। 0 है, 1 है, 4 है कि 5 है, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या है ये आपका जो है, किसी भी संख्या के अंत में अर्थात उसका यूनिट डिजिट आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट सेम यही अंक होते हैं। उसका जो यूनिट डिजिट होगा सेम यही अंक होंगे। जैसे जैसे सपोज करो कोई नंबर आपको दिया है 246। अब इसके पावर चाहे आप जितना कर दीजिए, चाहे 1 लाख कर दीजिए, चाहे 1 करोड़ कर दीजिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। यूनिट डिजिट मतलब होता है कि जो राइट हैंड में सबसे लास्ट में अंक आता है, जो कोई भी संख्या लिखी है तो उसके लास्ट में सबसे अंक होता है, वही उसका यूनिट डिजिट कहलाता है। तो अब यहां पर जो है, अगर किसी संख्या के अंत में ये अंक है तो आप जो है उनका यूनिट डिजिट डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसका ये होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई अंक है, अगर इनके अलावा कोई अंक है तो फिर आप लगाते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रियता का नियम लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप यूनिट डिजिट से रिलेटेड हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें क्या 6 है क्या लास्ट में? 6 नहीं है, 5 नहीं है, आपका 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो अब हम यहां पे लगाएंगे रूल ऑफ साइक्लिसिटी। रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है, चक्रियता का नियम, रूल ऑफ साइक्लिसिटी अर्थात चक्रियता का नियम। तो रूल ऑफ साइक्लिसिटी में क्या करते हैं कि जो पावर है उसको, जो भी पावर में आपका नंबर दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने पे हम रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है ना। और एक बात याद रखना है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, भाई 4 से आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आप लेंगे, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर में आप 4 रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो या आपका 5 हो या 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट सेम वही नंबर होगा, ठीक है ना। अगर आपका जो है इनके अलावा कोई नंबर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, पावर में जो है 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आप रिमाइंडर लेंगे, ठीक है ना। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करेंगे आप, उसके पावर में 4 लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे जरा देखिए, यहां पे दिया गया है 8^96 प्लस 2^79, ओके।
अब आप एक काम करिए, पहले पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो जरा 9 6 को 4 से डिवाइड करिए। 4 से हमने 9 6 को डिवाइड किया, 4 2 8 बचेगा 1 6, 4 4 16 कितना बचा? आप देखो यहां तो जीरो आ गया ना, यहां तो आपका जीरो आ गया। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो आपको उस अंक या संख्या के पावर में आपको 4 लेना है, ठीक है। तो यहां पे आप लेंगे 8 के पावर 4 प्लस 79 में जरा 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए 79 को, तो 4 1 4 बचेगा 3, 9 4 9 36 4 9 36 कितना बच जाएगा? 3 कितना बच जाएगा? 3, ठीक है ना। इस 3 को 2 के पावर में रख दीजिए, 2 के पावर 3, तो 8 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 8 × 8 × 8 × 8 प्लस 2 के पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2। तो अब देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो 8 × 8 में आपका 64 होगा, यहां 64 होगा, यहां भी आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा, यहां तो 8 हो गया। अब देखो यहां से भी यूनिट डिजिट 4 ले लो, तो 4 × 4 प्लस 8, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 प्लस 8 हो जाएगा आपका 6 प्लस 8, तो 14 हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 4 होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। तो हर बार हम किसकी बात करते हैं? यूनिट डिजिट की। जो लास्ट में नंबर आएगा हम हर बार उसी को लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14, और 14 में भी यूनिट डिजिट कितना होगा? आपका 4 होगा, तो 4 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात जो मैंने आपसे कही कि अगर किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट यही सेम नंबर होंगे, चाहे उसके पावर में जितना लगा हो। अगर इसके अलावा कोई नंबर है तो आप वहां पे लगाएंगे रूल ऑफ साइक्लिसिटी। रूल ऑफ साइक्लिसिटी में आप उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे आप लेंगे रिमाइंडर, ठीक है ना। अगर सपोज कर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या करेंगे? वहां पर उसकी पावर में 4 लगाएंगे, ठीक है ना, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए, चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द यूनिट डिजिट ऑफ 13 के पावर 2003 इज, 13 के पावर 2003 का इकाई का अंक है क्या? है 1 है, 3 है, 7 है कि 9 है? जल्दी से आंसर करें भाई, चीजें आपको क्लियर हो चुकी कैसे हमें करना है। तो अब आप जो है इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कि 13 के पावर 2003 का यूनिट डिजिट क्या होगा? आपने कहा बहुत सिंपल है, कुछ भी अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मुझे देखो 13 के पावर कितना दिया गया है? 2003। क्या यहां पे आपका 0 1 5 6 में से कोई अंक है? नहीं, 3 है। तो अब क्या करेंगे? 2003 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2003 को हम 4 से जरा डिवाइड कर ले, तो 4 5 20, 4 5 20 ये 0 हो जाएगा, 0 3 आएगा, तो लास्ट में आपका 3 ही तो बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब जब रिमाइंडर 3 बच जाएगा तो आपका यहां पे रखेंगे 13 के पावर 3। अब 13 के पावर 3 कैसे निकालेंगे? तो भाई 3 लास्ट में 3 ले लो, 3 का यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। तो अगर हम 3 के पावर 3 करें, अगर हम 3 के पावर 3 करें तो क्या हो जाएगा? आपका 27 हो जाएगा, और 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा? आपका 7 होगा। 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा, तो 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 13 का 3 times मल्टीप्लाई करना। देखो 13 × 13 × 13 ये तो करना है, 13 का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, 169 × 13 कर दीजिए, 3 9 27 तो भी आपका 7 आ जाएगा। तो आप हर तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन चाहे जितनी बड़ी संख्या दी गई हो आप केवल यूनिट डिजिट को लेके चलें।
पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, और ये गलती भी नहीं करनी है आपको कि 13 का क्यूब आ गया, सर 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 13 का क्यूब निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमको केवल मतलब है यूनिट डिजिट से, अर्थात लास्ट में कौन सा नंबर आएगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। तो यहां पे लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 67 के पावर 25 माइनस 1 मस्ट बी, संख्या 67 के पावर 25 माइनस 1 के इकाई स्थान पर अंक होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 6 होना चाहिए कि 8 होना चाहिए कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से आंसर बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तरीका आपको पता है, चीजें आपको पता है, आप मुझे आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा, इसका आंसर 0 सही होगा कि 6 सही होगा कि 8 सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, कुछ और आएगा, कुछ और ही आएगा। तो आपने कहा कि नंबर दिया गया है 67 के पावर 25 माइनस 1। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, 25 को 4 से डिवाइड करना, 25 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा, और जब आप यहां पे रखेंगे तो 67 के पावर 1 रखेंगे माइनस का 1, तो यहां से आपका यूनिट डिजिट 7 मिल जाएगा, 7 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, 67 के पावर 1 में 67 आएगा, और 7 माइनस करेंगे तो 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 जो है आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 274 × 348 × 387 × 613 इस, गुणनफल 274 × 348 × 387 × 613 में इकाई का अंक है, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा कि 5 होगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल, देखो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो सिंबल लगा होगा वही वहां पर हम जो है करेंगे। जैसे यहां पे क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन, तो अब यहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो यूनिट डिजिट को केवल लेना है, पूरा का पूरा नहीं करना, 274 × 348 × 387 × 613। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से आप यहां से केवल यूनिट डिजिट ले, 4 ले लेंगे, यहां से आप 8 ले लेंगे, यहां से 7 ले लेंगे, और यहां से आप 3 ले लेंगे, 4 और 8 का मल्टीप्लाई 32 होता है, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 होता है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई आपका 2 आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए यूनिट डिजिट बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, करना कैसे है। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा है, कैसे आप रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगाते हैं, कैसे आप जो है और भी रूल्स लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा 2, यहां पे आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, द यूनिट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेड ऑफ 1/5 के पावर 2000 इज, 1/5 के पावर 2000 के दशमलव निरूपण में इकाई अंक है, क्या है बताइए, 2 है, 4 है कि आपका 5 है कि आपका 6 है, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। तो अब यहां पर क्या दिया है, 1/5 के पावर 2000,
अब 2000 को सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले यहां पे जो है आप जो है 1/5 है तो 1/5 के पावर 2000 दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है 2000। तो अब यहां पर देखो 2000 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 2000 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 रिमाइंडर हमें जीरो मिलेगा, 4 5 20 रिमाइंडर हमें जीरो मिलेगा। और जब किसी भी पावर में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर जीरो आने पे आपको उसकी पावर में 4 रख देना है। तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है 1/5 के पावर में 4। अब 1/5 को और रख सकते हैं 0.2, लिख सकते हैं ना 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि यहां पे क्या दिखा है कि द यूनिट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेड ऑफ, दशमलव के निरूपण में, तो 1/5 को आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। तो 0.2 का हम क्या कर दें, 4 times मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का 4 times मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई 0 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 का जब आप 4 times मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो यहां से आपका 4 आ जाएगा और यहां से भी आपका 4 आ जाएगा, 4 4 का मल्टीप्लाई आपका 16 हो जाएगा और यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, 4 4 का मल्टीप्लाई 16 होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 6 होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है 1/5 के पावर 2000 का जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो पूछा गया फैक्टोरियल पे पूछा गया है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो फैक्टोरियल पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 1 factorial + 2 factorial + 3 factorial + 4 factorial + अगर हम पहुंच जाएं 85 फैक्टोरियल तक तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट निकालने से पहले फैक्टोरियल समझते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, जैसे यहां पर आपके इसमें 1 factorial लग गया, क्या लग गया, 1 का factorial, तो 1 का जो है मल्टीप्लाई आपको करना है उसके पीछे जितने अंक आते हैं, तो उनके पीछे कोई होता ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपकी 1 से होती है, ठीक है ना। तो यहां पे 1 का factorial देखो, 1 का factorial क्या हो जाएगा, 1 का factorial 1 हो जाएगा, 2 का factorial क्या होगा, तो आपने कहा 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का factorial क्या होगा, तो आपने कहा 3 × 2 × 1 होगा। 4 का factorial क्या होगा, तो आपने कहा 4 × 3 × 2 × 1 होगा, ठीक है ना। 5 का factorial क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल जिस भी संख्या का निकालना है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है उसके पीछे जितने अंक आते हैं उससे उसका मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपको और याद होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होता है, 5 का मल्टीप्लाई यदि किसी भी इवन नंबर से होता है, इवन नंबर से होता है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से हो जाए तो आपका उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जैसे 5 के फैक्टोरियल में जो है 5 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, या 5 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए, तो अब इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, 5 3 12 12 2 24, तो यहां पे यूनिट डिजिट आपका 4 होगा, यहां पे यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, यहां पे यूनिट डिजिट आपका 2 होगा, और यहां पे यूनिट डिजिट आपका 1 होगा। लेकिन लेकिन 5 का फैक्टोरियल जैसे ही आएगा तो 5 के फैक्टोरियल के बाद हर एक अंक का यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। जैसे मान लो 6 का फैक्टोरियल निकालना है, किसका निकालना है, 6 का,
तो 6 × 5 तो आएगा ना, 6 × 5 तो 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से हो गया, आपका जो है यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। अगर आपके 5 का ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से होता है, किसी भी ऑड नंबर से होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है, ठीक है ना, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। लेकिन जब आप इसमें किसी भी संख्या का यहां पर निकालेंगे फैक्टोरियल, जैसे मान लो 7 का निकालेंगे तो 7 × 5 तो होगा, लेकिन 5 × 6 भी तो होगा, 5 × 6 भी तो होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल के बाद या 5 फैक्टोरियल जैसे स्टार्ट होगा, तो 5 फैक्टोरियल से लेकर के हम जहां तक जाएंगे हर एक अंक का, हर एक संख्या का यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हर बार इवन नंबर से होगा तो वहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, आपसे पूछा गया है 1 फैक्टोरियल, आपसे पूछा गया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, कहां तक जाना है, आप जाएंगे ये जो है प्लस का 85 फैक्टोरियल तक। तो अब जरा समझे, यहां पर देखो 1 का फैक्टोरियल तो आपने कहा ये 1 है, प्लस 2 का फैक्टोरियल हमने निकाला ये 2 है, ये 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है। लेकिन अगर हम जैसे ही 5 फैक्टोरियल से बात करेंगे तो यहां पे यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब सब में यहां से लास्ट तक सब में आपका यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि 85 का फैक्टोरियल जब आप लिखेंगे तो लास्ट में आपका 5 जरूर आएगा, ठीक है ना। और 85 में भी 5 है, 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 85 का मल्टीप्लाई 84 से करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, एक इवन नंबर से हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो अब हर एक संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा, बात समझ में आ रही है ना, हर एक संख्या का जो यूनिट डिजिट है क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हम डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, यहां तक हम सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा ये 2 × 1 3 और 6 × 3 9 और 9 × 4 13, ठीक है ना, यहां से भाई यूनिट डिजिट ले लो तो 6 × 2 8 × 1 9 × 4 13, ये 13 हो गया, और इधर से हमने 0 ले लिया तो 13 + 0 कितना जाएगा, 3 आपका यूनिट डिजिट आएगा, 3 आपका यूनिट डिजिट आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ गई कि जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे, 5 फैक्टोरियल से को लेके, ठीक है ना, तो 5 फैक्टोरियल से आपका हर एक अंक का जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। तो यहां तक तो आपका कितना आ गया, देखो 24, इसका यहां तक 4 है, बाद में इसके आगे है, सब जगह 0 आएगा यूनिट डिजिट, तो 13 + 0 तो 3 आपका यूनिट डिजिट इसका होगा, क्लियर है। तो 1 फैक्टोरियल से लेके 85 फैक्टोरियल तक अगर आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल, और अगर आप 89 फैक्टोरियल तक जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है ना। 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस आप 89 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। उसका यूनिट डिजिट 7 होगा कि 6 होगा कि 4 होगा कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा। तो जल्दी से आंसर करिए, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। तो बताइए भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा कि इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा। देखिए यहां पर दिया गया है आपको 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल, और आप कहां तक जाएंगे 89 फैक्टोरियल तक। तो आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब एक चीज जरा समझिए, अभी अभी देखो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर 5 फैक्टोरियल के हम 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 5 फैक्टोरियल के बाद हर एक नंबर का जो आपका यूनिट डिजिट है वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखिए 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 होगा,
थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका जो है थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये तो आपका जो है सिक्स आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम फाइव फैक्टोरियल की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब इसका जो है यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई जैसे हम किसी भी इवन नंबर से करते हैं उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जैसे आप यहां पे 7 का फैक्टोरियल अगर निकालेंगे तो भी तो आपका जीरो आएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 होगा। अब जैसे ही आपने 6 इंटू 5 किया तो 5 6 जा कितना 30 हो जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट आपका जीरो आ जाएगा। तो इसमें जो है आपका हर एक नंबर का 5 फैक्टोरियल के बाद हर एक नंबर का जो है यूनिट डिजिट जीरो आएगा। तो यहां पे जरा देखिए आपसे पूछा गया 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और हमें कहां तक जाना है प्लस का 89 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का क्या जाएगा आपका, 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होगा, 3 का आपका 6 होगा, 5 का 0 होगा। अब सबका 0 आएगा इधर, अब सबका 0 आएगा, ठीक है ना। अब जो है आप 89 तक जाएंगे, हर एक संख्या का जो आपका यूनिट डिजिट है वो जीरो आएगा। तो 1 प्लस 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 7 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल से अगर हम 89 फैक्टोरियल तक जाते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा आपका 7 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 863 के पावर 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 863 के पावर 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा, 9 होगा, 8 होगा कि 6 होगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 4538 के पावर 5 फैक्टोरियल, 4538 के पावर 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। तो जल्दी से आंसर करें भाई, क्या होगा सही आंसर। ए बी, पहले वाले में क्या आएगा 7986 में से, दूसरे वाले में क्या आएगा 5864 में से। तो अब देखिए आपको फैक्टोरियल निकालना आपको आता है, ठीक है ना, फैक्टोरियल निकालना आपको आता है। तो अब जैसे यहां पर आपसे पूछा गया 863 के पावर में 3 फैक्टोरियल, ओके, अब 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 863 के पावर में हो जाएगा 6। अब आपको पता है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता, वही अंक होता, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर उनमें से कोई अंक नहीं है, अब यहां पर 3 है, तो अब इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 वन जा 4, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। अब जो रिमाइंडर बचा उसको हम इसके पावर में रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 863 के पावर में 2, और 3 का पावर 2 जब करेंगे, 3 का पावर जब 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 9 इसका जो है क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, 9 इसका यूनिट डिजिट होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। समझ में बात आई। तो यहां पर आपने क्या किया, जो पावर थी उसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर आप क्या लेंगे रिमाइंडर लेंगे। एक बात और याद रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आने पे जो पावर में है तो 4 लगा देंगे। जैसे यहां पे रिमाइंडर कितना आया 2, तो आपने पावर में 2 रखा, अगर रिमाइंडर 0 आता तो आप पावर में 4 रख देते, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, 9 इसका यूनिट डिजिट होगा। अब जरा बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि 4538 के पावर 5 फैक्टोरियल। तो आपने कहा कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
कितना आता है जरा सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा ये आएगा आपका 120, कितना आएगा 120 आएगा, तो 4538 के पावर 120 होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, 120 को 4 से डिवाइड करना, 120 को 4 से डिवाइड करना, तो 4 3 12 होगा, यहां पे आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहां पे आप क्या करेंगे, 4538 के पावर में आप 4 रखेंगे, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो पावर में क्या जाएगा आपका 4 जाएगा। अब यहां पर देखिए यूनिट डिजिट कितना है आपका, 4 है, 8 है ना, इस संख्या में यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 8 से यहां से 64 होगा, यहां से भी 64 होगा, तो यहां पे जो यूनिट डिजिट है वो 4 × 4 मिलेगा यहां से, और 4 × 4 में यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा, 4 × 4 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहां पे जो आंसर है आपका वो जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। 4538 के पावर 5 फैक्टोरियल में जो उसका यूनिट डिजिट है वो 6 होगा। तो अगर कभी भी फैक्टोरियल पावर में आता है और वहां से आपको यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से आसानी से उनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसे हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15876 इज, 15876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है, क्या होगा इसके यूनिट डिजिट में, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा कि 8 होगा। तो यहां पर आपका जो है अगर आप 15876 का एक परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। हम लोगों ने सीखा है कैसे हम लोग जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कैसे किसी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको भी स्क्वायर रूट निकालना आने लगे, शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर निकालना आने लगे आपको शॉर्टकट तरीके से। और अगर आपको 1 to 30 स्क्वायर याद नहीं तो याद कर लीजिए, 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब, इतना तो आपको आना चाहिए भाई, इतना तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप जो है उसको याद कर लें, ठीक है ना। याद करने के तरीके भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि क्या करना है, आपको एक पेज में लिख लेना है और जहां पर आप लेटते हैं उसके सामने उसको पेस्ट कर दीजिए, और सुबह शाम उठते एक बार उसका आप रिवीजन करिए, ठीक है ना। अपने आप आपको याद होगा भाई, किसी भी जैसे आप, आपका दोस्त है या कोई व्यक्ति जो आपको डेली मिलता है उसका चेहरा आप क्यों नहीं भूलते, उसका नाम आप क्यों नहीं भूलते। उसका नाम इसलिए आपको याद है क्योंकि आप उसको देखते हैं, डेली देखते हैं, डेली आपको याद है, हाँ यार ये रमेश जा रहा है, ये है मेरा दोस्त जो है महेश है, उसका नाम क्यों नहीं। अगर आप कभी 10 साल बाद भी आपसे वो मिलेगा ना तो भी आपको याद रहेगा यार इसका नाम रमेश है, क्योंकि आप उसको डेली देख रहे हैं डेली। इसलिए तो कहते हैं कि आपको, इसीलिए कहा जाता है, एक वर्ड बार बार आपसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अभ्यास को जारी रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को डेली एक बार जरूर पढ़िए। इसलिए आपसे टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है कि अपना टाइम टेबल बना लीजिए, जो आप पढ़ते हैं उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, तभी आपकी एक आदत पड़ेगी आगे एग्जाम में भी कि आप टाइम के एकदम पाबंद रहेंगे, टाइम से ही आप चलेंगे कि नहीं यार। अभी क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमको वो चीज बहुत अच्छी लग गई, मैथ में हमारा मन लग गया, अब मैथ में हमारा मन लग गया तो बाकी चीजें हम भूल गए, हम मैथ को ही पढ़ते रह गए। तो अब आपकी यही आदत पड़ी रही, अब एग्जाम में आप देने गए, एग्जाम में भी आपको मैथ आती थी, आपने मैथ तो कर दी बहुत अच्छे से, मैथ के पूरे के पूरे क्वेश्चन कर दिया, बाकी रीजनिंग जीएस इंग्लिश छूट गई, तो क्या इससे एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्या नहीं होगा। हमको हर सब्जेक्ट पढ़ना है,
हर सब्जेक्ट इक्वल डिवाइड करिए, उसका टाइमिंग डिवाइड करिए और उस टाइमिंग से एकदम कभी कंप्रोमाइज करिए मत करिए। उससे क्या होगा ना, आपकी एक आदत बनेगी, आप उसमें लेके चलेंगे, हाँ यार इसको भी तो मुझे समय देना है, बहुत टाइम हो गया इसको पढ़ते पढ़ते, चलो अब दूसरे सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, इसको भी तो हमें जो है क्लियर करना है। तो ये आदत जब आप अभी से डालेंगे ना, तब जो है ये आदत आगे भी आपकी बनेगी। क्योंकि एग्जाम में टाइम का मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, टाइम को अगर आप नहीं मैनेज कर पाएंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम किसी एक सब्जेक्ट से क्वालिफाई होने वाला नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको मास्टर तो नहीं बनना लेकिन मास्टर से कम भी नहीं बनना, आपको हर सब्जेक्ट उस लेवल का आना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप हर सब्जेक्ट को डिवाइड करके, इक्वल टाइम डिवाइड करके आप उसको पढ़ेंगे। इसलिए टाइम टेबल तैयार करिए, टाइम टेबल बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आज सर ने बता दिया, आज हम बहुत जोश में थे, आज तो चलो ठीक है भाई हमने टाइम टेबल बना दिया, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे होता है ना कि भाई आज नहीं कल से सर पढ़ेंगे जरूर, आज तो आपने एकदम जोश भर दिया सर, हाँ एकदम अब मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं अब करके रहूंगा, लेकिन एक समय आया और वहां पे क्या हुआ, यार हटाओ अब नहीं, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। टाइम टेबल भी तैयार हो गया है, एक दो दिन आराम कर लेते हैं, परसों से पढ़ाई करेंगे। परसों जब आया तो यार नहीं आज नहीं, आज थोड़ा सा काम है, काम कर लेते हैं, काम इस काम, इस काम को करने के बाद एकदम मतलब आप परफेक्ट हो जाते हैं। इस काम को करने के बाद जिस भगवान को आप मानते हैं, जिसको उसकी कस्में तक खा लेते कि नहीं यार अब मैं जो है ये पढ़ाई मंडे से जरूर चालू कर दूंगा, जब फिर मंडे आता है फिर से वही कहानी होती है, फिर तक यार नहीं यार आज यार बहुत थक गए, आज भगवान माफ करिए कल से, और कल वो करते करते लास्ट में क्या होता है, एग्जाम का टाइम आ जाता है, फिर आप सर के पास जाते हैं, सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊं। सर क्या बता देंगे, सर को ऐसा कोई मंत्र थोड़ा ना आता है, इसलिए तो सर पढ़ा रहे हैं इन सब चीजों को, कि ये जब चीजें आप एग्जाम में जाए करने, एग्जाम के टाइम पर आप ये चीजें एक बार भी ना भूलें, इसलिए तो आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए तो आपसे बार बार कहा जाता है। लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं इसमें तो टीचरों का ज्यादा वो है, सर बार बार कह रहे हैं, कोई ना कोई तो बात है, कोई बात नहीं है, केवल ये है कि आपका भविष्य अच्छा रहे। क्योंकि अगर आज आप अपने आप को सुधार लेंगे तो भविष्य आपका बहुत ब्राइट हो सकता है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आज से अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक आपने मेहनत करना नहीं शुरू किया तो आज से स्टार्ट कर दें, टाइम नहीं है आपके पास, बस ये वेट, ये ना सोचिए जब हमारे सामने जो है टारगेट आ जाएगा तब हम कर लेंगे। 2 महीने 3 महीने में कभी तैयारी नहीं हुआ करती, तैयारी के लिए हमको कम से कम 1 साल सही से चाहिए, 1 ईयर जब आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, बार बार चीजों को जो है पढ़ते हैं, तब जाके कहीं आप परफेक्ट बन पाते कि हाँ भाई अब मैं जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। फिर भी एक संशय रहता है, अब बिल्कुल रहना भी चाहिए, क्योंकि कभी कोई पूर्ण तो हो ही नहीं सकता, परफेक्ट तो कभी कोई हो ही नहीं सकता किसी भी सब्जेक्ट में। लोग जैसे मैं ही आपको पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको अच्छा बता सकूं, ठीक है ना। तो मैं अपना आपको 100% देने की कोशिश करता हूं। अब आपको भी यही करना है कि आपको भी अपना 100% देना है। सफलता असफलता तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे यार थोड़ा सा मेहनत और कर लेते। जैसे होता ना कि हमने इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद एक बात जब रिजल्ट आया, अरे थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, और कहीं कोई वैकेंसी आ गई जो मेरिट पे थी, अब पता लगा कि मेरिट बन गई 95 की और हमारे थे 90%, तो अब एक दिमाग में आता है ना कि यार थोड़ा सा अगर और पढ़ लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वही चीज आपको करनी है, आपके अंदर मतलब बाद में अफसोस नहीं कि यार थोड़ा सा और अच्छा कर देते तो शायद इस बार जो है हमारा टारगेट अचीव हो जाता। तो बाद में सोचने से कुछ नहीं होने वाला, अभी सोचिए, अभी करिए और आज से करिए, मैं तो कहता हूं अभी से करिए। अपना टाइम टेबल तैयार कीजिए, उसी टाइम टेबल को फॉलो करिए। समस्याएं सबके पास है, कोई अकेले आप नहीं है समस्याओं को लेकर के। और एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखिए, अगर समस्या को लेकर आप किसी के सामने भी जाएंगे, आदमी केवल आपको सलूशन बता सकता कि ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको उन समस्याओं को हटाना है
उन समस्याओं से लड़ना है तो आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। कोई आपका साथ नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देने वाला, ठीक है ना। आप अपनी समस्याओं को लेकर खुद से आगे बढ़िए, तब लोग आपके भी सपोर्ट में आएंगे। इसलिए जो है, अगर अभी तक आपने अपने आप को इसमें रखा कि हाँ यार जब होगा तब हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, नहीं, उन चीज़ों को भूल जाइए। अपने आप को आगे लेके आइए, अपनी तैयारी को शुरू करिए, अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। तो अब हमें इसका निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकालते हैं, किसका, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं 15876 का, तो अब देखें जरा, अब हमने इस चीज को स्क्वायर रूट निकालने में बहुत अच्छे सीखा है कि अगर यूनिट डिजिट किसी का भी देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जैसे आप स्क्वायर पढ़ते हैं तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ओके, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपने कहा 9 होता है, अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट में 6 आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आएगा। आपका 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 के भी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, यहां भी यूनिट डिजिट में 9 आएगा। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, तो यहां भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, यहां भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, वहां भी यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहां सिंगल नंबर लेना है, क्यों, क्योंकि लास्ट में आप एक ही नंबर तो रखेंगे, 10 थोड़ा ना रख देंगे। तो अब यहां पर 9 तक हमने ले लिया, अब देखिए यहां पे लास्ट में 6 है, तो या तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा या तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि 4 के स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 6 आता है, तो इसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, यहां पे पेयर बनाने से, 2 का पेयर आपने बना दिया, अभी तक कितना बचा 1583 नंबर बच गए। अब आप देखिए कि 158 किस संख्या के स्क्वायर से ज्यादा है और किसके स्क्वायर से कम है। तो अगर आपको 1-30 सारे स्क्वायर याद हैं, तो आप देखेंगे कि 158 आपका 12 के स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 के स्क्वायर से आपका छोटा है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 158 आपका 144 से ज्यादा है और 169 से छोटा है। तो 12 के स्क्वायर से ज्यादा, 13 के स्क्वायर से छोटा, और हमेशा आप यहां पे छोटी संख्या लेते हैं, तो या तो ये 124 का स्क्वायर है या तो ये 126 का स्क्वायर है। अब देखो यूनिट डिजिट में आपका 4-6 दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि ए और डी तो आंसर नहीं होंगे। अब बी और सी में किसको दें भाई, हमको ये पता हो ना कि किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर ये मालूम चल जाए तो हम अपना आंसर दे देंगे कि 4 होगा कि 6 होगा। तो अब आगे कैसे पता करेंगे कि भाई ये 126 का है कि 124 का है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप ये देख लो कि जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का होता है 169, जो 158 है, जो 158 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक में है, आपका 44 के कि जो है 169 के। तो आप कहेंगे कि ये 169 के ज़्यादा नज़दीक में है। 158 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 144 के कि 169 के। तो आप बोलेंगे कि ये 169 के ज़्यादा नज़दीक में है। जब ये 169 के ज़्यादा नज़दीक में है तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा, ये 126 का स्क्वायर होगा। अगर ये 144 के ज़्यादा नज़दीक होता तो हम छोटी संख्या लेते, 124 का स्क्वायर होता ये। अब देखो एक तरीका और है करने का, अगर आप जो है कभी और भी कंफ्यूज हो तो एक चीज और का आप कर सकते हैं, आप यहां पे 125 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 125 का स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान है, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 5 है
उसका आप आसानी से जो है यहां पर क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसके दो तरीके हैं करने के, आप तो इस प्रकार से कर दीजिए कि 5 का मल्टीप्लाई 5 का, चूंकि यूनिट डिजिट 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट में 25 आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई आप 13 से कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई जरा 13 से करो, 12 3 जा 36, तो 6 आएगा, बचेगा कितना 3, 12 1 जा 12 और 12 और 3 जाएगा 15, तो 156 25 आपका ये होगा 125 का स्क्वायर। और ये जो संख्या है ये 156 25 से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए 126 का स्क्वायर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 125 का निकाल लीजिए, 125 इनके बीच मिडिल आएगा, अगर भाई इससे छोटी संख्या होगी तो ये 125 के पहले का स्क्वायर होगा, अगर इससे बड़ी संख्या होगी तो उसके बाद का होगा, तो ये 126 का होगा, जिसका यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, जिसका यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। 125 का एक तरीके से आप और भी स्क्वायर निकाल सकते हैं 100 से कंपेरिजन करके, 100 से कितना ज्यादा है 125, तो 25 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, लास्ट में 25 रख दीजिए, क्योंकि लास्ट में दो डिजिट रखने हैं, लास्ट में दो डिजिट आपको रखने होते हैं, और 6 आप कैरी कर लीजिए, जितना ज्यादा उतना और ऐड कर दीजिए, तो 125 में 25 और ऐड कर दो 150 आएगा, जो कैरी किया था उसको ऐड कर लीजिए तो 156 हो जाएगा, उसको आगे रख दीजिए तो भी आपका 156 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं स्क्वायर निकालने के। अगर आपने अभी तक स्क्वायर निकालने वाली क्लास नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से बहुत शॉर्टकट तरीके हम लोगों ने सीखे हैं कैसे 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इफ यक्स इक्वल्स टू 164 के पावर 169 प्लस 333 के पावर 337 माइनस 727 के पावर 726, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x? यदि x इक्वल टू क्या हो 164 के पावर 169 प्लस 33, यहां पे 3 होगा ना, यहां पे 3 होगा, 337 नहीं होगा, यहां पे 3 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 3, ये बात याद रखिएगा, अब 3 होगा, 33 के पावर 337 माइनस 727 के पावर 726 हो तो x का इकाई अंक क्या है, क्या है बताइए, 5 है, 9 है, 7 है, 8 है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से मुझे बताइए भाई। आप सबको तरीके पता है, आप सबको मालूम है हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे जरा देखें, अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे भाई किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो आएगा, अगर 1 होता या 5 होता तो या 6 होता तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता। अब यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं उनमें 0, 1, 5 या 6 में से कोई नंबर नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे, रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगाएंगे। रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है, जैसे 164 के पावर में 169 है तो सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 169 को, जरा डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, यहाँ आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 9 आया, ठीक है ना, और 4 2 जा 8, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, क्लियर है। तो जब 1 बच जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 164 के पावर 1, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जरा सॉल्व कर लीजिए किसको, 333 को, 333 के पावर आपका 337, तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि 337 को 4 से डिवाइड करना, तो 337 को जरा 4 से डिवाइड कर दीजिए, 337 को जरा 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, तो 4 8 जा 32, बचेगा आपका 1 7, 4 4 जा 16, कितना बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा 333 के पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जरा देखो 727 के पावर 727 के पावर में है 726, तो 726 को जरा 4 से डिवाइड करिए,
726 को 4 से डिवाइड करिए तो 7 4 1 4 बचेगा आपका 3, 2 आपने नीचे लिया, 4 8 32, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 6 आया, यहाँ पे 4 1 4, यहाँ बचेगा आपका 2, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आपका 2 बचेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 727 के पावर में 2। तो जब लास्ट में 7 है तो 7 के जब आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में क्या लगा है प्लस, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो आपका 164 का यूनिट डिजिट कितना है 4 है, प्लस 333 का यूनिट डिजिट कितना है आपका 3 है, माइनस ये आपका 9 है, ठीक है ना, चूंकि 727 का यूनिट डिजिट कितना है आपका 9 है। अब देखें तो यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में से 9, अब 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो अब एक चीज जरा सोचिए कि भाई इधर इसके पहले भी तो कुछ ना कुछ नंबर रहे होंगे, इसके पहले भी तो कुछ नंबर आएंगे, तो कुछ भी आएगा आपका, लेकिन आएगा तो वहां से आप एक उससे उधार ले लीजिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में चला भाई इसका जो है जब आप यहां पे रखेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या आएगी 164, ये पूरा का पूरा आएगा 333, तो यहां से जब आपको पता है कि 4 + 3 = 7 से आपका 9 माइनस नहीं होगा, तो आप यहां से एक उधार ले लीजिए, ये आपका 17 हो जाएगा, और 17 से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा। बात मेरी समझ में आ रही है ना, कि यहां पे हमने जो है 7 से कैसे 9 को माइनस करके 8 निकाला है, भाई इसके पहले भी तो आपके नंबर आएंगे, जब इसके पहले भी नंबर आएंगे तो वहां से आपने उससे कैरी कर लिया, उससे उधार ले लिया, और यहां पे हो गया 17 17 - 9 तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो 8 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, बिच ऑफ 17² 34² 25² and 49² वुड हैव 6 एट यूनिट प्लेस, 17² 34² 25² और 49² में से किसके इकाई स्थान पर 6 होगा, किसका यूनिट डिजिट 6 होगा बताइए, ए बी सी डी में कौन से होगा, 17 के स्क्वायर में आपका 6 होगा यूनिट डिजिट में, कि 34 के स्क्वायर में, कि 25 के स्क्वायर में, कि 49 के स्क्वायर में। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करें तो 17 का स्क्वायर हमें आता है बहुत आसान है, क्योंकि 1 230 के अंदर है, तो कितना है आपका 289, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 25 का भी हमें पता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, अब 34 का हमें नहीं पता, तो 34 का हम निकाल लेते हैं, 34 का हम निकाल लेते हैं, और 49 का भी हमें निकालना आता है, 49 का तो बहुत ही आसान है, 49 का 34 से, क्योंकि 34 तो ज़्यादा दूर है ना 50 से, तो 49 का कैसे निकालेंगे, 50 से कंपेरिजन करके, तो 50 से जब कंपेरिजन करेंगे तो 50 से कितना कम है 49, 1 कम है, ठीक है ना, तो 1 कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 01 होगा, 01 रखेंगे चूंकि लास्ट में 2 डिजिट रखने हैं, और जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, तो 49 में 1 और कम करिए, 49 में जब 1 और कम कर तो 48 हो जाएगा, अब 48 का हाफ कर दीजिए तो 2401 आपका जो है 49 का स्क्वायर है। बात मेरी समझ में आ गई भाई, 49 50 से कितना कम है 1, लास्ट में हमें 2 डिजिट रखे तो 1 का स्क्वायर चूंकि 1 होगा तो हम 01 रखेंगे, जितना कम था उतना हमने और कम कर दिया, तो 49 में हमने एक और कम कर दिया, कितना हो गया 48, उसका हमने हाफ कर दिया, हाफ क्यों करते हैं, चूंकि 50 100 का हाफ होता है, इसलिए इसका हाफ कर देंगे, 2401 आपका 49 का स्क्वायर होगा, तो देखो आंसर तो मेरा 34 होगा, चूंकि इसका तो 9 है यूनिट डिजिट, इसका 5 है, इसका 1 है, चूंकि लास्ट में 4 है तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 होगा, तो आंसर तो यहां 34 का स्क्वायर आ गया। अब 34 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा कैसे, जरा इसको भी सीख लेते हैं, तो 34 कितना कम है 50 से, पहले ये देखिए 34 50 से कितना कम है ये देखिए, तो आपने कहा 16 कम है, जो 34 है वो 50 से 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256,
तो 56 आपने रख दिया और 2 आपने कैरी कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, तो 34 में 16 और कम करिए, 14 माइनस 6 तो 8 आएगा और यहाँ 18 आएगा, इसका हाफ कर दीजिए 9 आ जाएगा और 9 में 2 ऐड कर दीजिए 11 आ जाएगा, 11 56 34 का स्क्वायर होगा और इसी का यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, तो 34 स्क्वायर आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 34 का जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट में आपका 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए, द यूनिट डिजिट ऑफ 25 के पावर 43 इंटू 56 के पावर 42 ब्रैकेट क्लोज प्लस 456 के पावर 25 प्लस 23 के पावर 42 प्लस 76 के पावर 23 इज, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा बताइए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको पता हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो, 0 हो, 1 हो और 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, ठीक है ना, उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, वहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। यहां पे क्या है आपका 456 के पावर 25 प्लस 23 के पावर 42 प्लस 76 के पावर 23, तो हमें यहां पर पावर में 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक जगह जरूरत है, कहां पर 23 वाले में, क्योंकि इसके लास्ट में आपका 3 है, तो यहां पे आपको 42 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, कितना आता है 4 1 4, आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 1 4 रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहां पे देखो, अब देखिए यहां पे इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5, यहां पे इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, यहां पे इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। तो यहां पे आपका 6 आएगा, यहां पे आपको क्या करना है 23 के पावर आपको 2 करना है, प्लस का यहां पे 6 होगा। अब देखिए 5 6 का मल्टीप्लाई यहां पे कितना 30 होगा ना, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, यहां पे 6 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, प्लस का आपका 6 होगा। अब सबको ऐड कर लीजिए 9 6 15 15 6 21, तो इसका यूनिट डिजिट आपका जो है 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा, क्योंकि 21 आएगा ना, 21 में यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 1 होगा, तो 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो देखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, कितना आसान, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर्स, प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, 9 है, 5 है, 0 है, 1 है। तो अब सबसे पहले ये क्लियर करिए कि होल नंबर होता क्या है। तो जब हम नेचुरल नंबर के साथ में 0 को भी ले लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। जब हम नेचुरल नंबर के साथ में, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, उसके साथ में जब हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो वो आपका होल नंबर कहलाता है। तो जब आप इनको लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे, देखो 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 और आप पहुंचेंगे 149 तक, क्योंकि फर्स्ट 150 होल नंबर्स कह रहा है। तो भाई स्टार्टिंग तो आपने 0 से की ना, जब 0 से की तो आप कहां तक पहुंचे 149 तक। अब आपको लगातार संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। यहां पे n इक्वल टू कितना होगा 49 होगा, n इक्वल टू कितना होगा 49, वो जरा रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 149 होगा ना, ओनली 49 नहीं होगा, 149 होगा, n इक्वल टू 149, ठीक है। तो यहां पर रखिए 149
हो जाएगा 149 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 149 into 150 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 150 डिवाइड हो जाए कितनी बार, 75 टाइम, तो यहाँ पे 149 into 75 होगा, तो 9 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 45 होगा, और 45 का यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 5 इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका आंसर आ जाएगा जो है बी, 5 इसका यूनिट डिजिट होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 217 के पावर 413 इंटू 819 के पावर 547 इंटू 414 के पावर 624 इंटू 342 के पावर 812। तो आपने कहा बहुत आसान, बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो 217 के पावर आपका है 413, तो सबसे पहला काम है हमारा 413 को 4 से डिवाइड करने का, तो जरा 413 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 413 को 4 से जरा डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4 1 4 0 आया, 1 आपका आएगा 0, 3 4 3 12, ठीक है ना, 4 3 12, तो यहाँ पे जो है 4 3 12 होगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1, तो ये रहने कितना बचा 1, तो 217 के पावर 1, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, क्लियर है। अब जरा सॉल्व कर लीजिए आप 819 को, 819 के पावर कितना दिया गया है 547, जरा 547 को 4 से डिवाइड करिए, 547 को 4 से डिवाइड करिए, 547 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 1 4 बचेगा 1, 4 3 12 बचेगा 2, 27 और 4 6 24 कितना बचेगा आपका 3, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 819 के पावर 3, तो 9 के पावर 3, 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, तो 9 9 81 और 81 में फिर से 1 आएगा, तो 9 into 1 कितना आ जाएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट 9 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, क्यों, चूंकि 9 के जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 हो गया, और 81 में फिर से यूनिट डिजिट 1 होगा, और उधर आपका फिर से आप जब 9 का करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद है कि 9 का क्यूब कितना 729 होता है ना, तो यहाँ पे 9 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगला जरा देखते हैं अब क्या पूछा गया है, अब यहाँ पे आया आपका 414 के पावर कितना है आपका 624 है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका 624 को 4 से डिवाइड करना, 624 को जरा 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 4 बचेगा 2, 4 5 20 बचेगा आपका 2 और 4 6 24 ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा, और जब 0 रिमाइंडर आएगा तो आप 414 के पावर में 4 रखेंगे, 414 के पावर में 4 रखेंगे, तो 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा, यहाँ भी 16 आएगा, 16 16 कितना हो जाएगा 256, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 आएगा, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर जरा बात कर लीजिए लास्ट में कौन बचा, 819 के पावर है आपका 342 है, 342 है भाई, 342 के पावर में है आपका 812, ओके जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 812 को जरा 4 से डिवाइड कर लीजिए, 812 को जरा 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 8 ये तो 0 हो गया, 1 आया 0 आएगा, सॉरी 1 यहाँ पे आया तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 आ गया
और 4 3 12 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा ना आपका जो है यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 342 के पावर में आपका 4 आएगा। तो 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 का आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा जरा देखिए, 2 का अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो 8 आएगा ना, 3 टाइम में 8 आएगा और 8 टू जा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट जो है ना, यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 आएगा भाई, दो बार आपका यहाँ पे 4, यहाँ से 4 4 4 16, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। अब आपको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो 7 × 9 × 6 × 6, तो देखिए इसका तो यहां से 6 आ गया, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 में कितना आ जाएगा आपका 4, और 7 4 जा 28, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 7 × 2 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 54, क्योंकि यहां से 6 आएगा तो यहां पे हो जाएगा 54 अर्थात 4 आएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 28 होगा, और 28 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 8 होगा, तो यहां पे 8 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो किस प्रकार से करना है, समझ में आया, तो जो है इस प्रकार से आप बहुत आसानी से यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।